भाजपा ने अपनी उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है, लेकिन इस सूची में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भाजपा ने पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान की डिडवाना से टिकट काट दी है। यह लगातार दूसरी बार हुआ है जब भाजपा ने यूनुस खान को डिडवाना से उम्मीदवार नहीं बनाया है, बल्कि अपने 2018 के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा को ही दूसरी बार प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद डिडवाना में कहीं खुशी और कहीं गम वाला माहौल है। जितेंद्र सिंह जोधा को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। उन्होंने जमकर आतिशबाजी करते हुए खुशी जाहिर की। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री यूनुस खान के समर्थकों में मायूसी छा गई। ऐसा माना जा रहा था कि पूर्व मंत्री यूनुस खान डिडवाना से भाजपा की टिकट के सबसे प्रबल दावेदार थे और उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन इसके उलट जितेंद्र सिंह जोधा को प्रत्याशी घोषित किया गया। मैं सबसे पहले तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहूँगा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह जोधा पर विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी के डिडवाना के इतिहास में आज तक कभी भी 23 पंचायत समिति सदस्य कोई भी विधायक जिता के नहीं लाया है। हमारे जितेंद्र सिंह जोधा ने 12 पंचायत समिति सदस्य मोलासर से और 11 डिडवाना से। तो सबसे पहले तो मैं जितेंद्र सिंह जोधा को जो पार्टी ने विश्वास जताया है उसके लिए प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ। पूरे राजस्थान में, डिडवाना ही नहीं, पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो लूट और झूठ की जो दुकान है, आम जनता उससे परेशान है। आम नागरिक हर एक वाजिब काम भी बिना पैसे दिए जो हो नहीं रहे थे, जनता परेशान है। और जनता ने ये मानस बना चुका है कि इस बार प्रदेश में और खासकर डिडवाना में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। जितेंद्र सिंह जोधा भारी मतों से यहाँ विजयी होने वाले हैं।